लाडवा में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। सबसे बड़ी खबर, एक दिन में कोरोना के 5 केस आने से हड़कंप मच गई है। एक दिन में ये 5 केस आए हैं। इलाके को सील करने की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। वार्ड 9 और 11 में एक एक केस सामने आए हैं और बकाली, खेड़ी, गोरला गांव, कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब इसके बाद 11 पहुंच गई है। भारत साबरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। भारत, कहां कहां से लोग मिले हैं और 5 कोरोना पॉजिटिव एक साथ एक दिन आ जाना, हाथ पैर फूल गए होंगे प्रशासन के। जी गौरव, जैसे बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, ये जो है पूरे लाडवा क्षेत्र में जिस तरह से इन कोरोना के जो 5 मरीज हैं इनकी पुष्टि हुई, उसके बाद एकदम से प्रशासन में जो है हड़कंप मच गया। और दूसरी तरफ देखिए, अधिकतर जो मरीज हैं वो सब्जी मंडी से आड़ती या विक्रेता बताए जा रहे हैं, जिनमें देख और निश्चित रूप से अब पूरे एरिए को जो है सील करने की तैयारी चल रही है। शहर के अंदर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जिनको लेकर प्रशासनिक अमल अब इन सभी इलाकों को जहाँ से ये मरीज मिले हैं उन्हें सील करने में जुटा हुआ है। और देखिए, अगर कल भी जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 6 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिनमें से जो 2 केस थे वो बाहर से आए थे और वो एक अजराना खुद नामक गाँव में मिले थे। और अब की बात जो है कोरोना का रुख धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गाँव की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको लेकर प्रशासन जो है अब चिंता में है, क्योंकि देखिए शहरी इलाके पर पुलिस जो है पूरी तरह से काबिज थी और सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो कड़ी थी, पर अब गांव के इलाके में जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं उसी तरह स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, पुलिस विभाग के लिए, जो दूसरे जो सरकारी सेवाएं हैं उनके लिए अब एक मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन अब लगातार हाई अलर्ट पर काम कर रहा है। और अब पूरे जिले के अंदर एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 11 तक पहुंच गई है, जो लंबे समय से एक बड़ा आंकड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया भरत आपका। तो लाडवा में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर।